गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन्नियां भी रूहां इत्थे पहुंचियां ने प्रगट गुरां की देह सतगुरु सच्चे पातशाह दी हजूरी च बैठे हां। गुरु साहब वालों बख्शी फतेह दी सांझ पाईए, गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पहलां ते जिन्नियां भी पवित्र रूहां इत्थे पहुंचियां ने समां कढ के इन्नी गर्मी च इत्थे बैठ के तुसीं सारा प्रोग्राम वेख्या है, सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद है। असीं तुहाडे ऋणी हाँ, सदा ऋणी रहांगे। तो ये इत्थे अज तुहाडे नाल इक वादा है गुरु साहब की हजूरी च भी साडे शरीर के जिहड़ा लहू है उहदा एक एक कतरा तुहाडे चरणां च डुलूगा, पंथ की आजादी वास्ते डुलूगा। शुरुआत च मैं समूह नगर रोडे पंजे पंचायतां सब संगतां दा, क्योंकि जिन्ना प्यार मैनू इस नगर च आके मिलिया मैनू दो दिन हो गए ने, तो संगतां दा हड़ लगा रहा दो दिन मिलने वालों का, कईयां नाल मिलिया गया कईयां नाल नहीं मिलिया गया। सो कोई दिल च गिला नाराजगी नहीं रखनी, यह साडा अपना नगर है, इत्थों ही साडा संघर्ष शुरू होया सी, इत्थे ही आण के असी संघर्ष लड़ने ने, इत्थों ही असी प्रेरणा लैन आउणा है। सो इस करके इस पिंड दे सदा ऋणी रहांगे, सारे ही पिंड दे नां दे लोकां दे नाल इक जकारा लाउणा जी, बोले सो निहाल। जिहड़े मते पाए गए ने तुसीं सुण लए ने, कई बार मते जिहड़े आ उहदी भाषा कई बार समझ नहीं पैंदी क्योंकि वह मीडिया च भी जाने हुंदे ने। मैं उन्हां मतियां दे विचों ही कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने। पहलां तो इत्थे सारे बंदे जिन्ने आए तुहानूं सारिआं नूं प्रताख आ वी असीं गुलाम आ। जे को अजे भी अपने आप नूं आजाद समझदा तो मैं बेनती करूँगा भी उहदे मूँह ते पाणी दे छिट्टे मारो माड़े जिहे होश होश आवे, क्योंकि साडे ते जिहड़ी गुलामी है वह हुण सिर तों पाणी भी लंघ गया। एक तो हुंदा भी गल तक आ गया तो चलो मूँह थणी साह आऊगा, मूँह तक आ गया तो नक् थणी हो जूगा, तो अड्डियां चुक के भी सानूं हुण साह नहीं आ रहा। तो जिन्हों अजे भी आजादी का खमार चढ़िया भी असीं आजाद हाँ, वह मेरा वीर किसी डॉक्टर को जाओ चंगे को उन्होंने कहो भी साडा इलाज करे, क्योंकि आजाद जो असीं कोई नहीं है। रोज़ सानूं छित्र पै रहे हैं, सड़कों पर साडियां पगां रुलदियां ने, धियां भैणां दियां बेपतियां हो रही। साढ़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हों असीं प्रगट गुरां की देह कहिंदे, महाराज ने कहा आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। यह कलगीधर पातशाह का रूप है, यह गुरु नानक पातशाह का रूप है। तो जे इस सतगुरु पातशाह की इतने बेअदबी होनी है पंजाब की धरती के उत्ते, तो फिर तुम कि आजादी के नारे मार दे जो। सो इस करके समूह संगत जिहड़ियां इत्थे पहुंचियां ने, एक घर एक चीज़ लैके जानी है, वो ये चीज़ लैके जानी है भी असी गुलाम हाँ, तो गुलामी गलों लाउणी है, तो गुलामी लथनी किवें आ। संत एक गल कहिंदे सी भी जे गुलामी गलों लाउणी है तो आनंदपुर घरे वड़ जाओ। आनंदपुर घरे वड़न का अर्थ मैं अज आनंदपुर घरे वड़न का अर्थ अज मैं थोड़ा जा स्पष्ट करना है। एक तो साडा वह घर है जिथे असी जम्मे पले हाँ, एक साडे वह माँ बाप ने जिन्होंने सानू जन्म दिता है, वह घर भी सत्कारत है जिथे जम्मे पले हैं, वह माँ बाप भी सत्कारत ने जिन्हें जन्म दे के पालिया है। पर सब तो उच्चा घर केड़ा है, वह आनंदपुर साहब है जिथे कलगीधर पातशाह ने सानू पैदा किया, प्रगट किया, खालसे की सिरजना की है। तो सब तो वड्डा साडा बाप धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप ने, माता साहब कौर है। सो देखो साडे दुनियावी माँ बाप कई बच्चे इतने बैठे होणगे, कई नौजवान सवाल करते हैं भी साडे माँ बाप नहीं चाहते भी असी सिखी वल तुरीए जां इस संघर्ष वल तुरीए तो साडी जान जिहड़ी खतरे च पवे। मैं उन्हां माँ बाप नूं पुछना चाहुंदा अज जिहड़े अपने बच्चों नूं संघर्ष दे राह तों जाण तों रोकदे ने भी कलगीधर पातशाह दे अपने पुत्र उन्हां दे बच्चे नहीं सन। जदों कलगीधर पातशाह ने अपने चारे पुत्र कुरबान करके कहा सी इन पुत्रन के असीस पर वार दिए सुध चार, चार मोए तो क्या पिया जीवत कई हजार। हुण जे कलगीधर पातशाह अपना अंश बंश अपनी कुल वार के कहिंदे ने भी आ मेरी कुल है जिहड़ी इत्थे बैठी है, इह हजारां पुत्र मेरे जिउंदे ने, ते ना साडा चेहरा मोहरा कलगीधर पातशाह ना मिले, ना साडियां हरकतां मिलन, इत्थे दादे ते पोते नूं खड़ा कर लो दोवां नूं। लोकी पुछदे भी नस्ल कुशी हुंदी की है, सब तो वड्डी नस्ल कुशी है भी जे दादे ना पोते दा चेहरा मोहरा नहीं रलदा वह नस्ल कुशी है। जे शेरां दे पुत्र हिरना वर्गे लगन लग पैण, जे शेरां दीआं धीआं बकरियां लगन लग पैण, ते तुसीं इह नस्ल कुशी नहीं मानदे इस गल नूं। सो नस्ल कुशी किसे ने तुहाडे मत्थे ते आण के टैटू नहीं बणा जाणा भी तुहाडी नस्ल कुशी हो रही है, तुहाडा पाणी साडा लुट्टिया जा रहा, साडे गुरु दी बेअदबी हो रही है,
साढ़े इतने यहोजियां फैक्ट्रियां लाती भी हजार वर्ग किलोमीटर का इलाका इन्होंने गंदला करता है। साढ़े को जमीन थले पानी नहीं बचा। साढ़े सिखां दियां पगां रोज लेंदियां ने। सानू संविधान जिहड़ा इस मुल्क का वह कहता भी तुम किसाधारी हिंदू जो होर तुहाड़ी नसल कुछ किन्ने करनी आण के जिहड़े टायर पैने से गलां चो भी पै गए एक करी। सो मेरी बेनती है कबूल करनी है जिहड़ी संगत इत्थे आई है मैं कदे पिछे नहीं हटदा। मैनू मरना पै जाए बंद बंद कटवाना पै जाए महाराज की हजूरी च कहना है मैं पिछे नहीं हटदा। हुण सवाल है गुलामी दीआं निशानियां तुसीं सुण लीआं की हुंदीआं ते जिहनूं हुण वी नहीं समझ आउंदी उहनूं नहीं आउणी। उहदा इह संसार ते आउणा जाणा व्यर्थ है क्योंकि जे पिंजरे च पिया पंछी जानवर जिहड़ा है उहदे वी मन च तांग हुंदी है कि असीं आजाद होईए उड्डीए। ते जे महाराज ने सानूं मनुखा जीवन दित्ता ते दित्ता वी उस कौम दे घर है सिखां दे घर खालसे दे घर जन्म दित्ता है ते उह च रह के वी सिखां दे घर जम पल के वी जे सानूं गुलामी दी समझ नहीं आई ते फिर नहीं आउणी। सो इस करके निशानियां सुन लिया ने गुलामी की है भी पता कर लिया। गुलामी गलों किवें लाउणी हुण इस गल ते चर्चा करनी है। पहलां ते सारे पंजाब जिहड़े आ नौजवान जिहड़े आ उह जकारा छड्डो जिहड़े कहिंदे आ भी असीं पंजाब दी खातर पंथ दी खातर सिर दे देंगे। हुण उह जकारा छड्डण जिहड़े कहिंदे आ भी पहलां असीं इस गुरू दे चरणां च भेट करना। गुरु साहब ने की आख्या किसे पैगंबर ने कुछ मंगया कौमां दे कोल किसे ने कुछ मंगया गुरु ने की मंगया जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। इस करके इस शीस तली ते धरना है अपनी मत भी गुरु के चरणों च भेट करनी है। तो कई कहिंदे सी तत्तियां गल्लां तुसीं शीस मंगदे जो शीस मैं नहीं मंगया शीस कलगीधर पातशाह ने मंगया सी। शीस कलगीधर पातशाह रोज़ मंगदे ने हर सिख दे कोलों कलगीधर पातशाह दी इक्को मंग है भी अपना शीस अपनी मत ये मेरे चरणों च रख दे ते गुरु की मत ते चल मेरी मत ते चल। ते जदों तुसीं गुरु की मत ते चलते हो फिर संसार की कोई कौम कोई फौज तुहानूं गुलाम नहीं कर सकती। हुण एक लहर चलाई है गुर भाई लहर। इहदा अर्थ यह है कि जिन्हां जिन्हां सिंघां ने सिंघड़ियां ने अमृत छकिया वह गुरु के धीआं पुत्तर ने जिन्हां ने नहीं छकिया उन्हां चिर नहीं बन सकते। हुण मैं तुहाडे नूं कोई उच्चा नहीं पर मैं गुरु का पुत्र जरूर हाँ। सो इस करके जिहड़े नौजवान नूं दिख रहे ने जिन्हां ने सिरां ते दस्तारां ते अज सजा लईआं ने शायद मेरे तो संघ दे हुण भी मतलब उठा ही ना लवे किते पर यह बेनती है भी दस्तारा घर जाके ला के टोपियों को रख नहीं देनिया। ये सजाउण नूं मिलियां ने दाड़े प्रकाश करन नूं मिले आ ये अपने आप दे विच्चों एक कढ दिओ हीणता भी तुसीं सोहणे नहीं लगते। जे फर्ज करो शेरां नूं जंगल च रहिंदिआं नूं हीणता हो जाए भी साडे जी साडा शिकार करना माड़ा है साडे दाड़े माड़े ने साडा जिहड़ा ये असीं क्योंकि शिकारी हाँ जंगल दे राजे ये माड़ा सानूं यह हीणता होगी अज दे समें दे विच। जदों किसी कौम के अंदर अपनी पछाण नूं लै के अपने सभ्याचार नूं लै के अपने पहरावे नूं लै के अपनी बोली नूं लै के हीणता आ जाए वह कौम नसलकुशी चों लंघ रही हुंदी है। अज इत्थे नौजवान ना रहना चाहते हैं जिहड़े इत्थे मैनूं कहिंदे सी मीडिया वाले भी रोज़ सवाल करते हैं मैं अज ही तुसीं सारे जणे नोट कर लो भी तुसीं कहा भी तत्तियां गल्लां करदे जो तुसीं लोकां दे पुत मराओगे। असीं कहिंदे आ भी लोकां दे पुत मरवावांगे जिहड़ा पुत मरूगा गुरु दे चरणां च वह गुरु का पुत बन जूगा लोगों का पुत नहीं रहूगा। वह केवल इत्थे लोगों के पुत मरते ने ते कलगीधर के पुत पैदा होंगे ने मौत तो बिना कुछ नहीं। हुण सानू मौत का भय क्यों नहीं क्योंकि मनुख जीवन च एक बार ही मरदा। मौत का भय मनुख नूं उहनूं हुंदा जिहड़ा मरिया ना होवे। असी मरे हाँ आ सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों के दूजी बार सानू कोई नहीं मार सकता क्योंकि जिहड़ा पहला मर गया इहदे चरणों के उहने अमृत सानू पिया के ते इस वकारां तों भय तो काम तो क्रोध तो लोभ तो सब तो मुक्त कर दिता है। असी इन्हां वकारां नूं साध के संसार दे विच चलना है। सो मेरियां बेनतियां जिहड़ियां मैं कीतियां नौजवानों इह गल नूं पैणा बीबियां तुसीं भी सुण लो। जिहड़ा इह फैशन है ये दस दिन की खेड आ कल नूं फिर बदल जाना साल नूं बदल जाना है
ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੂਟ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ 350-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ 300-350 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਦੀ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਐਨ ਉਬਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਐਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਦੇ ਜੋ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਚਨ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦੇ ਪ੍ਰਪੱਖ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਿਤ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 20-25 ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਿਆਮ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਰੋਕੋ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਕੋ ਪਖੰਡੀ ਡੰਮੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਚਿੱਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੰਮੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਤਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਟਾ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲਾਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਚੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਭਟਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਹਲਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ? ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਲਿਖਤ ਲਿਖਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
मैं भी सहन कर देना, तुम भी कर दौ भी आ लो जी बिहारी हो यूपी वाले हो झारखंड वाले हो हिमाचल वाले हो सब लो पंजाब असं चले गुरुओं की धरती छड़ के तुम इतने मूर्तियां पूजो तुम इतने मतलब जनऊ पा के घूमो तुम इतने सिगरटा पीओ नशे बेचो कुछ करो तो जे तुम लगता भी गुरु की धरती है इतने सब कुछ नहीं चलन देना तुम तो फिर इतों छड़ के भजन का कोई राह नहीं है। भजया दुनी चंद भजया सी ना भजया तो गांह जाके सप्प लड़के मर गया। सो इस करके महाराज जदों साढ़े इतने विराजमान ने गुरुआ पीर की धरती इतने इतिहास रचा इतने साहबजाद शहादत हुई ने बाबा बंदा सिंह बहादुर उत्थे भी राज सिर सकता सी जिथों महाराज ने थापड़ा दे के तोरिया जदों उहदे कोल शस्त्र सी सारा कुछ सी महाराज का हुक्म सी महाराज का बल बख्शिया सी उहनूं उत्थे राज सिर सकता सी। पंजाब आया इत्थे आके उन्हें एडा वड्डा राज सिरजिया इस ते पंजाब ते साडा दावा इहनूं कदे छड्डणा नहीं। कई कहिंदे जे भी सिख कल्ले पंजाब दी ते असीं किसे दी को बांह फड़ी है जिहदा दिल करदा पंजाब लई लहू डोल लिया अपना किसे नूं हिंदू भरा नूं किसे मुसलमान नूं किसे ईसाई नूं कदे असीं कहा भी मोर्चियां च शामिल ना हो तुसीं कदे असीं किसे नूं कहा भी भाई पंजाब नूं तुहाडी कृपानी दी लोड़ नहीं। जे अज तुहानूं मेहणा वजदा है हिंदू भरावो मेरी गल सुणो जे तुहानूं मेहणा वजदा है तो इस करके वजदा भी तुहाडे पुरखियां ने पंजाबी मां बोली दे नाल गदारी कीती सी। अज तुसी जे गदारी करोगे तुहाडी आने वाले पुश्तां नूं मेहणा वजूगा। असी बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा। अज जे तुसी संघर्ष करोगे तो तुहाडियां आने वाली नस्लां सिखां वांगू माण ना कह सकणगियां भी असी भी पंजाब दे दावेदार हां नहीं तो यह गल कहनी बंद करो भी तुसी पंजाब नूं अग ला रहे जो ये वो पंजाब है जिहदे च तुसी बण च सहमति नहीं सी दित्ती। पंजाबी सूबा जिंदाबाद कहते काका इंद्रजीत वर्गे जवाक जड़े सी वढ़ वढ़ के तुसी खूह छोड़ दिते सी वो पंजाबी सूबा है तो अज वो सूबे नूं सिख शांत रखण इहनूं अग ला देने साडा ये तुसी नहीं कमाया। सो जे अज भी कमाई करनी है तो अज कमाई करो जिहड़ी कल तुहाडियां नसलां दे काम आवे। असी जदों दावा करदे आ असी मना दे मन लहू डोलिया इस धरती दे उत्तों अज जिहदी जगह ते खड़े आ अज जिस सरजमीन ते खड़े आ इत्थों जिहड़ा मर्द उठिया उन्हें अपनी छाती च 36 गोलियां खाधियां ने दिखाओ किहड़ा तुहाडा सूरमा कोई एक बार बार शंका खड़ा किया जाता है कि भाई तुसी संदीप सिंह दीप सिद्धू नूं शहीद क्यों कहिंदे जो अज जथेबंदी वालों समूह पंथ वालों जकारा ला के इस गल नूं प्रवानगी देनी है कि दीप सिद्धू साडा कौमी शहीद है। सो जिहड़े को मंदबुद्धि बंदे उठ के रोज दिहाड़ी तुसी उहनूं शहीद क्यों कहिंदे जो देखो जिन्हां दी महाराज ने सेवा लाई होवे एक्सीडेंटां च नहीं मरदे हुंदे ये सानूं नहीं पता भी रोड किहदे ने एंबूलेंसां किहदियां हस्पताल किहदा। सो इस करके हुकूमत ने तरीके बदले पर असीं बेवकूफ नहीं हैगे सानूं पता है जिहड़ा संघर्ष दे राह ते तुरिया हुकूमत ने कोई ना कोई बहाना लभ लैणा इहनूं खत्म करन दा असीं उहनां दीआं गल्लां च नहीं आउणा। उह क्यों कहिंदे ने भी शहीद ना आखो क्योंकि शहादत बिंब सिरजदी है एक शहीद जदों उहदा लहू धरती ते डुलदा है ते हजारां शहीद पैदा हुंदे ने ते जदों उह कहिंदे ने भी शहीद ना आखो ते फिर संघर्ष किहको प्रेरित होके करना। जिहड़े इह कहिंदे ने भी तुसीं संतां दे वर्गे बनना चाहुंदे जो बनना चाहुंदे आ असीं संतां वर्गे किसे दे दरसाए मार्ग ते चलना ते किसे दी नकल करना दो वख-वख गल्लां। असी संतां दे दरसाए मार्ग ते चलणगे चलदे रहे हां ते आउण वालियां नसलां वी साडियां चलणगियां जिन्ने चिर आजादी नहीं मिलदी। सो इस करके जे कोई ये शंका खड़ा करता मैं स्टेज तो अज ऐलान कर देना तो आखिरी बार मैं गल कहनी है ना मैनू इस तों बाद कोई मीडिया वाला पुछे ना कोई होर बंदा पुछे। मैं संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरालिया की चरणों की धूड़ के बराबर भी नहीं। जे मेरे मन च यहोजा अहंकार आए तो परमात्मा मेरी यहोजी गल कहने तो पहला मेरी जबान वढ़ लवे। असी उन्होंने चरणों की धूड़ बनना असी उन्होंने दरसाए मार्ग से चलना जिनी महाराज ने सेवा लेनी है उन्नी करनी है वो साढ़े प्रेरणा स्रोत हैं वो साढ़े आदर्श हैं सानू उन्हां नाल प्रेम है असी उन्हां वर्गा बनना चाहते हैं।
हर सिख उन्हां वांग जपी तपी बनना चाहुंदा, हर सिख उन्हां वांगू पाठ पूजा करना चाहुंदा, हर सिख उन्हां वांगू संत सिपाही बनना चाहुंदा। गुरु का हुक्म है, पर इत्थे कोई किसी की नकल नहीं करता हुंदा। सो इस करके यह दुबदा मैं अज अखीर वार खत्म करती है। मीडिया वाले वीर सारे मौजूद आ, अज तो बाद मैनू किसी ने सवाल नहीं पुछना, मैं सीधी गल कह दी है। उन्हां दे चरणां दी धूड़ बराबर भी नहीं है। असीं महाराज कितने धूड़ ही बना देवे तो साड़ी कौम नू आजादी अगले दिन मिल जूगी। एक अपने समाज के विच एक कृति चली आ रही है, बेशक उन्हें हिंदुस्तान की हुकूमत शह दिंदी है, पर अज इत्थे तुसी सारे मेरे भरा आए जो साढ़े च जातां पातां की जिहड़ी वंड है, ये बड़ा संजीदा मसला है। सिख नू सिख नाल लड़ाया जाता है जात के मसले के विच। जदों तख्त श्री केसगढ़ साहब से असीं अमृत छकिया, महाराज ने जदों अमृत तैयार करना सी सब नू सदा दिता, सब जातां नू। कुछ अहंकारी जात के लोग कहिंदे सी असीं इन्हां नीवे लोगों नाल, साडे नू सानू नीवे कहिंदे सी, इन्हां ने एक बाटे च अमृत नहीं छकना। तो महाराज ने कहा सी इन गरीब सिखन को द्यों पातशाही, वह सारे गरीब सिखां नू महाराज ने पातशाही दी। कोई जाति वितकरा नहीं होना चाहिए, जात का गुमान भी माड़ा है, जात की हीणता भी माड़ी है। कोई अपने आप को उच्चा समझ भी तुसी बैस के बैठ के किसी ने रोटी नहीं छकनी, तुसी किसी ना बराबर ते नहीं बैठना, तुसी किसी ना हाथ नहीं मिलाउणा, यह ब्राह्मण की देन है, सिख गुरु की देन नहीं। गुरु नू सब जातां वाले ने गुरु मन्निया, उहदा अमृत सारयां लई बराबर है। खासकर अमृतधारी सिख जिहड़े ने, यह तुसी अपने मनां च चीज कढो, दूजे भी कढ़न, क्योंकि जिन्ना चिर यह कोड़ साडे च हैगा हुकूमत सानू एक दूजे नाल लड़ाउंदी रहूगी, असीं लड़ना नहीं। बहुत उन्होंने भौंकण नू छड्डे होए ने लोग जिहड़े जात दे नां दे उत्ते रोज़ बोलदे ने। सो इह आपां फिर भी दूजे सूबिआं नाल बहुत चंगे हाँ, इत्थे महाराज दा लंगर वरतदा है, कोई किसी नाल वितकरा नहीं करदा, सब एक थां बह के छकदे। पर जिहड़े माड़े मोटे हैगे आ उहनां नू इह नहीं भी मनणा नहीं, असीं उहनां नू दूर करन दे जतन करने। एक कई सिंघ उदन आखी जांदे सी वी चूला छक लैणा, असीं अमृत नहीं छकणा। देखो चूले की कोई मर्यादा नहीं हैगी। महाराज ने सीस मंगया तो कोई महाराज अगे जाके कहे भी मैं चीची वढ के देना चाहुंदा जी, मेरी बांह लै लो, मेरी लत्त वढ लो, मेरी बांह लै लो, मेरी लत्त वढ लो। चूला चला कुछ नहीं हुंदा, इक्को चीज़ है खंडे बाटे की पौल, पूर्ण तौर पर खंडे बाटे की पौल छकनी है। गुरु के सिख बनना, शस्त्रधारी होना, बाणी बाणे दे धारनी बनना, शस्त्रधारी होना। आ कल मैनू एक पुछते सी मीडिया वाले भी तुसीं इन्ने शस्त्र वाले बंदे को रखे जो, वो मैं कहा असीं तो सदियों तो शस्त्र रखी फिरते, छड्ड तुसीं दित्ते जो। जिहड़ा सिख है मैनू सवाल करता है भी शस्त्र को रखी फिरते जो, उन्हूं शीशे च अपनी शकल वेखनी चाहीदी है भी साढ़े हत्थ च क्यों नहीं हैगा, हुक्म है महाराज का। जे इहदा महाराज का हुक्म नहीं मनना तो फिर तुसीं जीवन च करन की आए जो। सो खंडे बाटे की पौल कल इत्थे भी छकाई जानी है। जिहड़े सिंघां दे फोन आ रहे सी बीबियां दे भैणां दे भी खंडे बाटे की पौल असीं छकनी चाहुंदे आ, अज प्रबंध नहीं सी हो सकता क्योंकि संगत दा रुझान इधर सी, उत्थे हाल भी वेला नहीं। कल नूं प्रबंध कीता, शामां नूं रहण दा भी प्रबंध है, बहाना ना बना लिओ कोई भी, सानूं रख्या किसे ने नहीं। उत्थे सारा पिंड अपने दरवाजे खोलूगा तुहाडे वास्ते। असीं तुसीं जहाजे चढ़न की तैयारी करो, तुहाडे असीं चरणां च पलकां विछाउण नूं तैयार हां, तुहाडे जोड़े झाड़न नूं तैयार हां, बहाना तुहानूं कोई नहीं लाउण देना। आ कई नौजवान मैनूं कहिंदे ने वी किरपा हो जाणी महाराज की, जदों कहीए ना दाढ़ी रख लो, महाराज ने किरपा कीती है दाढ़ी वध जांदी आपणे आप, तुसीं नाई को जाके किरपा कटाउंदे जो। उत्थे कोई ऐसी गल है कि महाराज ने कहे दाढ़ी रोक दित्ती होवे भी इह तों अगे वधण डई। सो जिहड़ी किरपा रोकी आपां आप ही रोकी है, इन्हों बहानियां तों आपां बाहर आ जाइए, गुरु की किरपा दे नाल इह सतगुर सच्चे पातशाह नूं खुश करिए। मेरा रोसे ना कलगियां वाला जग भावें सारा रुस जे। दूजी गल, हिंदुस्तान की हुकूमत बेदबियां करा रही है, उहदा बेदबियां कराने पिछे एक मकसद है। गुरु साहब ने कहा सी जौ तो प्रेम खेलण का चाओ, प्रेम है ना, प्रेम जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। थां थां दे उत्ते प्रेम की गल हुई, प्रेम किहदे नाल करना है? ये नहीं कोई कहे भी मैं सहेली ना प्रेम करता, वो प्रेम नहीं है। माँ प्यो ना भी जो प्रेम वो भी नहीं, वो मोह है। प्रेम सतगुर सच्चे पातशाह करना है। कौम जे अजे तक जीवदी है
जे तुहाडे सिरां ते पग्गां ने माड़ियां मोटियां, जे तुहाडे मूँह ते दाड़े ने, जे तुसीं अजे भी नारे जकारे झंडे बुंगे उन्हां दी जय जयकार कर रहे जो, तो ये सतगुरु सच्चे पातशाह दे नाल प्रेम सी तां ही होया। वह भी दिन आया सिखां दे तेड़ कशहरा रह गया सी, पर उस समय दे विच भी सतगुरु सच्चे पातशाह दा जिहड़ा तंबू लगदा सी लखां रुपये दा हुंदा सी। कौम अज बहुत छेती रौला पाउंदा भी गुरु घर पक्के कर ले आ, गुरु घर च सोना चढ़ाता, भी जिन्हां ने अपनियां जनानियां सोने च लदियां पईयां ने, वह सवाल करदे ने भी गुरु ने सोना नहीं चढ़ाउणा। एक गुरु घर नाल गुरु नाल प्रेम है, इन्हें सानू बचाउणा है। बेअदबी तां हुंदी है बार बार भी तुसीं इहनां प्रेम करन उड़ जाओ, तुहाडे लई आम गल बन गई है। बेअदबी की खबर आउंदी है तुसीं ऐ तां चढ़ा दिंदे जो उहनूं भी इह जिहड़ी खबर है साडे लई आम गल बन गई है, उहनां कीती भी तां है बार बार। हुण हुकूमत ने तां बेअदबियां करन नूं हटना नहीं, साडे को इक्को हल बचदा है भी जे मैं तुहानूं सवाल करां भी प्रगट गुरां की देह हैगी है, मनदे जो मनदे जो हिला दिओ सिर माड़ा जिहा। ते जे इहनूं सतगुरु सच्चे पातशाह नूं प्रगट गुरां की देह मनदे जो कलगीधर पातशाह दा रूप मनदे जो, ते इहनूं कल्लिआं छड्ड के कित्थे तुरन चल जांदे जो गुरद्वारे जिंदा ला के, पहरा किहने देणा है? किसी दूजी कौम दा महाराज ने किसी दूजिआं नूं हुकम कीता सी भी मेरे पहरे ते रहो तुसीं? दो त्यार बर त्यार एक पिंड च दो, इन्ने ते नहीं असीं मर मिट गए ना भी एक पिंड च दो नौजवान लभण सानूं? दो त्यार बर त्यार सिंह हाथ च शस्त्र लै के पूर्ण बाणे दे विच महाराज दे पैरे ते खलोना है, संगत दर्शन करन आउंदी है। आ मेरे वर्गे बंदे नूं जिहड़ा कल आया पता नहीं कल की होना है, मैं हेड़ां दीआं हेड़ां मगर तुरियां फिरदियां ने, मैं माड़ा नहीं कहिंदा इस गल नूं, पर मैं कहिंदा भी जे मेरा सत्कार करदे जो ते इह सतगुर सच्चे पातशाह दा सत्कार क्यों भुल जांदा सन? इन इह सतगुर सच्चे पातशाह दा पैरा लाउणा किन्ने है हर पिंड दे विच जिन्ने गुरु घर ने। मैं नहीं कहना भी गुरु घर घटा लो, मैं कहना होर बनाओ, वधिया गल है। ये नास्तिकता वालों चलाया जिहड़ा शोशा वा भी गुरु घर बहुत हो गए जी, चंगी गल है बहुत हो गए, होर इस मैं कहना भी गुरु घर हर घर दे विच गुरु घर होना चाहिए, पर गुरु की मर्यादा का पूर्ण ख्याल भी रखना है। जे तुहाडे को इह सतगुरु सच्चे पातशाह का पहरा नहीं दिता जा रहा तो आजादी असीं सवाह लैनी है, असी देश दुनिया की हुकूमत दी फौजां नाल सवाल लड़ना है। जे दुख कोई अमली बंदा आण के सतगुरु सच्चे पातशाह की बेअदबी कर गया तो सो आपां दावे बहुत करते हैं सारे जाने विचे मैं वहां तुहाडे, पर हुण करके विखाइए कुछ। हुण अज तो बाद हुकूमत भी सुन ले ते तुसीं भी मेरे वीर, मैं तुहाडे चरणां च बेनती करदा, हुकूमत नूं वंगार है तुहानूं बेनती है, जिहड़ा बंदा चढ़ के महाराज की बेअदबी करन आऊगा असीं ना तो उन्हूं कोर्ट च फड़ाउणा है ना पुलिस नूं फड़ाउणा है, पुलिस भरा चो फड़ लवे आउंदे नूं, पुलिस वाले भी सिख ही ने ना, इन्हां दे भी बच्चे छड्ड के विदेशां चल गए भी इत्थे भविख नहीं नज़र आया कोई, दर्द इन्हां दे अंदर भी हैगा पंजाब दा। सो इस करके ये बेनती है सारे पुलिस वाले भरावां नूं जिहड़े इत्थे आए ने भी जदों इत्थे भाइयां दा राज आ गया ते पग्गां तुहाडियां भी लाउणगे। सो जे तुहाडे एम पीआं दे न्याणे कनेडा जाके बस गए ने तो तुसीं किहनूं बचाउंदे जो, इत्थे किहदी गद्दी नूं बचाउंदे फिरदे जो? जिहड़ा बंदा सतगुर सच्चे पातशाह की बेअदबी करन आउंदा माड़ी निगाह रख के आउंदा पुलिस कोल इन्ना मौका भी राह च आउंदे नूं फड़ लवे, जिहड़ा गुरु घर वड़ गया वह सिखां दा ही हथों उहदा सौदा लगेगा। जिहड़े नौजवान कहिंदे सी भी नशा लग गया, नशा बड़ा माड़ी चीज़ है, खासकर जिहड़ा सिंथैटिक ड्रग पंजाब च नसलकुशी दे रूप च, देखो ये ड्रग पता की है, ये कल्ला तुहाडा जीवन नहीं खराब करता जिहड़े तुसीं लगे हुए जो, तुहाडियां नसलां दे ते प्रभाव पाऊगा, तुहाडे कुखां मावां दीआं कुखां च मर्द सूरमे नहीं पैदा होणगे। सो जिहड़े नौजवानां नूं ये आलत लग गई, आदत पै गई है, आदत दवाइया दवाइया ना घट छुटती होंगी महाराज के लाभ लग के छुट जाती है। सो असी सदा दिने सब नौजवानों पंजाब चो भी तुसी पहुंचो को माड़ा चंगा जगह बना लाँगे, आओ कोई नहीं गुरु साहब की कृपा दे नाल उत्थे सेवा का पहरा लगेगा, महाराज की हजूरी दे विच बाणी पढ़नी है, नाम जपना है, सिमरन करना है, शस्त्र विद्या लैनी है, तैयार पर तैयार होकर खंडे पाटी की पौल छकनी है, जिहड़े जदों पौल मरिया नूं जींदा कर सकती तुहाडा नशा भी छुड़ा सकती है।
ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੂਗਾ। 15-14 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੀ ਖੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਖੰਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਰ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਪੀੜ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੈ। ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਸ ਬੰਸ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੁੱਲ ਜਾਣ ਜੀ? ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? 3-4 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, 7-8-10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਹਿਜ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਬਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ 4 ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਜਾਪੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਹ ਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਵੀ ਬੰਨ ਜਵਾਣ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲਾਉਣ। ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸਦਾਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮਹਿਮਾ ਨੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਟਕਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਅੱਜ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਭਈਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਸਾ ਦੇਣਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਬਦਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਇਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝੜਨ ਲੱਗ ਪਾ, ਮੈਂ ਝੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੋਨਿਆ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਹੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਇਹ ਸਰਜਮੀਨ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ,
पंजाबी सभ्याचार होवे उन्हां दा, ये पंजाब उन्हां दी धरती है। सो इस करके हुकूमत नूं इह चेतावनी है वी भाई इत्थे जे रेहड़ी लावांगे तो वी असीं लावांगे, इत्थे कुल्फियां वेचांगे वो भी वेचांगे, इत्थे फैक्ट्रियां च मजदूरी करांगे तो असीं करांगे, इत्थे फैक्ट्रियां च मैनेजर लगांगे तो असीं लगांगे, इत्थे पढ़ांगे वी असीं पढ़ावांगे वी असीं। सो इन्नियां क बेनतियां कबूल करो, जिन्नियां भी टकसालां इत्थे पहुंचियां ने सब दा नीवे हो के धन्नवाद करदे आं। उन्होंने दस्तारां भेट कीतियां, दस्तारां भेजियां ने, दस्तारां जिम्मेवारी है, पंथ ने देती है, हुण साडा फर्ज बणदा वी जिम्मेवारी नूं मोढ़ियां ते चुके नभाईए। इन्नियां क बेनतियां नाल खिमा दा जाचिंगा, सब दा धन्नवाद। ते संगतो मतलब मैनू सुनना है कि अरदास भी करनी है तुसी? आपां जिन्ना मर्जी बोलीए जे अरदास ही ना प्रवान आई सतगुरु सच्चे पातशाह दे चरणां च ते फिर उत्थे जाके छत्तर खाने आपां किसे को। बैठ जाओ जे, बह जाओ कोई नहीं, जिथे इन्ना सफर किया अद्धे घंटे ना किसे नूं गश नहीं पै जाणी, बह जाओ कोई नहीं। इन्ना क हमेशा चेता रख्या करो भी आपां महाराज की हजूरी च 150 जगारा छड़ दिता जदों दे लगे हाँ, तो महाराज की हजूरी लगी है जो उठ के आ पिट फका के तुरे जाने परे नूं, फिर तुसीं कहना भी साडे नाल कौड़ा बोलन लग पिया। ये थोड़ा जिहा सतकार पै सतगुरु सच्चे पातशाह दा रखिए मन दे विच। कोई नहीं, जिहड़ी भुख है 2 मिनट सबर कर लो। कलगीधर पातशाह ने माछीवाड़े दे जंगलों च दिनां दी भुख सबर किया साडे वास्ते, तो साडे को अद्धा घंटा नहीं जरा जान दिया। बैठो, बेनती है, इन्नियां क बेनतियां करनियां सी, अरदास होगी, सब ने अरदास च शामिल होना है, सतगुरु मनो तनो अरदास करनी है। एक अरदास दे उत्ते मैं अखीरी कहानी सुनाउणी है तुहानू वी अरदास दी महिमा किड्डी वड्डी है। एक पिंड च काल पै गया किते, फसलां खराब होण लग पईआं, सुकण लग पईआं, उहनां सोचिआ वी चलो गुरु घर अरदास करके आईए वी महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करो, मीह पवाओ। जदों घरों तुरन लगे तो एक बच्चे ने हाथ च छतड़ी फड़ ली, सियाणियां ने मजाक किया वी इह क्यों फड़ ली है, उह कहिंदा जदों अरदास करांगे तो मीह पै जाणा। हुण बच्चे दे मन दी जिहड़ी अरदास उह वाकई मन्नी जाणी है, साडे मनां च खोट है साडी तां नहीं सुनी जा रही। सो अरदास दी एड्डी वड्डी महिमा है, अरदास जिथे हुंदी आ एकागर चित हो के गुरु नूं हाजर नजर जाण के, क्योंकि सारा कुछ देण वाला मालक है, राज पा के हिंदुस्तान की घूमत नहीं देना आपां नूं, सतगुरु सच्चे पातशाह ने देना। अखीर ते सब का धन्नवाद है जिन्हां सेवा कीती है, जिन्हां ने इत्थे लंगर वरताया, जल छकाया, जिन्हां ने सब किस्म की सेवा की है, सब सेवादारां दा धन्नवाद है, पिंड की संगत का धन्नवाद है, प्रबंधकों का धन्नवाद है, परिवार का बहुत बहुत धन्नवाद है, संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडराले के समूह परिवार का, उन्होंने बड़ा माण सत्कार दिता है। सो असी रोम रोम साडा ऋणी है, इस नगर का, पंजाब का भी, पूरी कौम का, पंथ का रोम रोम ऋणी है। सो असी बेनती करते हाँ कि जिहड़ा ये डोडे तो संघर्ष उठाया सी, अज ये इकट्ठ जिहड़ा मसाली बने ते मसाली इकट्ठ होवे ते इत्थों दुबारा एक लहर उठे जिहड़ी कल नूं असी कह सकीए भी ये वाकई महापुरशां दे चरण प्राप्त धरती है, इत्थे महापुरशां ने तप बंदगी कीती है, इत्थों आण के बड़ियां बख्शिशां प्राप्त हुंदियां। वैसे तो खालसे के प्रबंध इदा दे हुंदे आ भी जिन्ना क प्रबंध करिए उत्तों बाहर निकल जाता कम, पर फिर भी हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हाँ, साडा कोई राजनीतिक रैलियां रूलियां करने वाला कारोबार तो है नहीं, सानू नहीं पता हुंदा भी किन्नी संगत आ जाणी किन्नी नहीं आनी। सो इस करके जे किसी भी प्रबंध च कोई कमी रह गई होवे दोवें हाथ जोड़ के नीवे हो के तुहाडे कोल माफ़ी मंगदे हाँ। अगली वार महाराज कृपा करन प्रबंध ठीक हुंदा रहे, प्रबंध साडा भावें बिगड़ रहे असीं सोचदे हां पंजाब ठीक हो जाए, सानू इकट्ठ करना ही ना पैण महाराज की कृपा दे नाल। सो इन्नियां क बेनतियां दे नाल मैं खिमा दा जा चुकिआं, खंडे बाटे की पौल छको, तैयारी कर लो, इहो ही राह वा, हसिया ना करो इदां, इह तों बिना किसे ने तुहानूं ढोई नहीं देनी। सो गुरु साहब कृपा करन, खिमा दा जा चुकिआं, बोलदिआं लखां कताईआं हो गईआं, जे कोई हो गई होवे ते हुणे ही माफ़ी मंग लैंदे आ, बाद च वीडियो ना चलाउंदे फिरिओ वी भई आ कुछ बोलता है, इक जकारा छड्डणा है फतेह तों बाद च। सो खिमा दा जा चुकिआं जी, गज के फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिया।
भाई सतेंद्र वीर सिंह जी भाई अमृतपाल सिंह जी सम्मान देना चाहते ने। देखो यार मैं तीर ना फड़ाया करो, लोग फिर मेरे दिल जाम ला लग पे अर जो कि नहीं है, ये फड़ा दो पिछे रख देंगे। हम किसी ने आ फोटो इदा खिंच के पा देनी है, तीन चार दिन विवाह चलना है। अखीर ते गुरसेवक सिंह भाणा का सन्मान करना है। ये नौजवान पंथ की खातर शिवसेना ने रौला पाया सी, उन्होंने डांग सोटा फेरन गया, जेल कट के आया, सो ये सन्मान करना चाहते हैं। सरोपा दे बोले सोनिहा। संगत नूं बेनती है जी बैठे रहो जिन्ना चिर गुरु साहब का सुखासन हुंदा है। गुरु साहब जी अपने अस्थाना ते विराजमान होणगे, उस तों बाद जिन्ना भी इत्थे प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया जां होर अदारे पहुंचे हुए इन्हां सारयां दा धन्नवाद है। लंगियाने दी संगत अते आस पास दे जिन्ने भी पिंडां दे नौजवान वक् वक् सेवावां निभा रहे ने, सारयां दा तहे दिलों धन्नवाद करदे हां। हुण आनंद साहब जी का पाठ उपरंत अरदास होगी, उस तों बाद संगत जी तुसीं पहुंचना।